दरअसल ये जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर बीजेपी का आज महाजनसंपर्क अभियान आज से लागू होगा और ये 3 दिन तक ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। प्रदेश पदाधिकारी और केंद्रीय मंत्री इसका दायित्व संभालेंगे। साथ ही बता दें कि 3 चरणों में ये बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। प्रथम चरण में आज से 10 नवंबर तक ये महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। तो बीजेपी आज से 3 दिवसीय के लिए 3 चरणों में ये महाजनसंपर्क अभियान अपना चलाएगी, जहां पर सीधे जनता से संवाद किया जाएगा, समझने की कोशिश की जाएगी, माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब चुनावी मोड में बीजेपी बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि अब मात्र जब कुछ ही दिन बचे हैं तो आए भी क्यों ना। तो इसीलिए महाजनसंपर्क अभियान, वैसे भी बीजेपी लगातार यात्राएं भी की है और अब ये महाजनसंपर्क अभियान के जरिए माहौल बनाने की बीजेपी की तरफ से कोशिश की जाएगी। बता दें कि ये 3 दिन तक चलेगा और 3 चरणों में चलेगा और 10 नवंबर तक ये चलेगा, जिसमें बीजेपी के कई केंद्रीय मंत्री इसका दायित्व संभालेंगे। प्रदेश पदाधिकारी इसमें आपको शिरकत करते हुए नजर आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसमें कौन से केंद्रीय मंत्री ऐसे होंगे जो इसका दायित्व संभालेंगे, कौन से ऐसे बड़े चेहरे इसमें शामिल होंगे। बीजेपी के द्वारा जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट भरसक लागू की गई है, इसमें वो शिरकत हो सकते हैं। तो इस वक्त जयपुर की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 3 चरणों में बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। प्रथम चरण आज से 10 नवंबर तक चलेगा और उसके बाद से 10 नवंबर के बाद से फिर दूसरा चरण, फिर उसके बाद तीसरा चरण लागू होगा महाजनसंपर्क अभियान के जरिए, जहां पर राजस्थान की जनता से सीधे 1-to-1 करते हुए नजर आएगी। और अब रुख जैसलमेर से बड़ी खबर की तरफ, जहां पर 2 प्रत्याशियों के नामांकन खारिज होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी का नामांकन खारिज हुआ और लोक जनशक्ति पार्टी के सबीर खां का नामांकन खारिज हुआ। अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रत्याशी का भी नामांकन खारिज हुआ। दोषे खां का भी नामांकन खारिज हुआ। नामांकन में गलतियां होने पर नामांकन खारिज हुआ है, क्योंकि नामांकन की अब रिव्यू हो रही थी और इसीलिए जहां जहां पर गलतियां नजर आई उन सब का नामांकन खारिज कर दिया। पोखरा विधानसभा से 11 प्रत्याशी मैदान में उतरे थे। जैसलमेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, 2 प्रत्याशियों के नामांकन को खारिज कर दिया गया है। तो 6 तारीख को नामांकन भरने की आखिरी तिथि थी, उसके बाद 7 तारीख को रिव्यू हुई नामांकन की, उसके बाद जहां जहां पर भी गलतियां पाई गई उन सबको हटाया गया। अब 2 दिन रहेगा नाम वापस लेने का दौर। और वहीं सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीसीसी वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर वो हमलावर भी दिखे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में अच्छा काम किया है, हमारे काम की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, विकास कार्यों में कई कीर्तिमान हमने स्थापित किए हैं, हर संभाग स्तर पर गारंटी यात्रा हमारी जाएगी, क्योंकि कल ही कांग्रेस की गारंटी यात्रा की बस रवाना हुई, रथ रवाना हुई। प्रदेश के मुद्दे केंद्र के सामने उठाए जाएंगे और ईडी की कार्रवाई का माकूल जवाब जनता देगी। तो सीएम अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीसीसी वॉर रूम में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर वो ईडी को लेकर लगातार हमलावर भी दिखे और कल भी हमने देखा जब कांग्रेस की गारंटी यात्रा निकली तो वहां पर भी वो ईडी सीबीआई को लेकर और आईटी आयकर विभाग को लेकर वो लगातार हमलावर दिखे और आज फिर जब पीसीसी वॉर रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए तो वहां पर भी वो हमलावर दिखे और साथ में कहा कि कोरोना काल में हमने बहुत सारे काम किए हैं, कीर्तिमान स्थापित की है और जनता ही अब बताएगी कि क्या हमने किया और क्या नहीं किया। माननीय लोग, नेता लोग आके गुमराह कर लोगों को आरोप लगा रहे हैं तो भी हिम्मत नहीं होती कहने की कि हम लोग गारंटी दे रहे हैं, 10 महंगे राज्य ने गारंटी दी, उसके बाद उनका क्या करना है? 7 गारंटी अब हम दे रहे हैं, उनके बारे में उनका क्या सोच है? कोई कहने को कुछ नहीं उनके पास में, वो मुद्दा बना नहीं पा रहे हैं और हम लोग बिल्कुल सोच समझ के इश्यू जो हमारे अपने राज्य के हैं, चाहे ईआरसीपी का हो चाहे वो रिफाइनरी का हो, कोई इश्यू हो राजस्थान का, उससे सीमित रह के हम लोग चुनाव।
और हवा महल सीट से महेश जोशी का टिकट कटने पर सीएम गहलोत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि थी और रहेगी। पहले भी एक बार महेश जोशी का टिकट कटा था, उसके 4 महीने बाद ही वो एमपी बन गए। किसका क्या लिखा है सब फिक्स है, सुनिए जरा। पार्टी उनकी प्रतिबद्धता, उनकी निष्ठा, उनकी सोच आपके सामने है। पिछली बार भी टिकट कट गया था तो 4 महीने बाद ही वो मेंबर पार्लियामेंट बन गए। किससे क्या लिखा हुआ है सब फिक्स है, सब फिक्स है। अपना काम करो, पार्टी का जो पार्टी का फैसला होता है वो हम सबके जिम्मेदारी है। और इस बीच डिडवाना से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर अमित शाह के काफिले में हादसा टलता हुआ नजर आया। दरअसल बीजेपी का जब रथ गुजर रहा था तो उस बीच बिजली के तारों से बीजेपी का रथ छू गया। स्पार्किंग के बाद एलटी लाइन का तार टूटा हुआ नजर आया और पर्वत सर के डांकोली मोहल्ले में इस घटना घटित हुई। विधियात से चौपाल कर पर्वत सर जब जा रहे थे अमित शाह, तभी ये घटना घटित हुई। अमित शाह फिर रथ से उतरकर दूसरे वाहन में बैठे और जिसको कार्रवाई को लेकर सीएम अशोक गहलोत का बयान भी आया। तो बीजेपी का रथ बिजली के तारों से छुआ, ये तस्वीरें भी हम आपको डिडवाना से दिखा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कल गृहमंत्री अमित शाह नागौर में आए हुए थे और डिडवाना से जब ये काफिला गुजर रहा था, जब चौपाल सभा को संबोधित करने के लिए जा रहे थे, तभी ये तस्वीरें देखिए कि हाई टेंशन लाइन वो टूट गई है और रथ से छूती हुई नजर आ रही है। ये जो गाड़ी गुजर रही है, जो हम आपको मार्ग के जरिए दिखा रहे हैं, यही वो तार था जो टूटा है और फिर वो रथ में जाके टकराया और वहां से, क्योंकि उसी रथ पे सवार थे अमित शाह, और उसके बाद उस रथ से उतरकर वो दूसरी गाड़ी में सवार हुए। और वहीं अगर आपको बताएं तो सीएम गहलोत ने हादसे को लेकर कहा भी कि ये मामला गंभीर है, डीएलबी आयुक्त से बोलकर इसकी जांच भी कराई जाएगी। लेकिन अब ये टकरा कैसे गया, मुझे जांच करवानी पड़ेगी। नहीं नहीं, रियली अगर टकरा गया तो मैं जांच करवाऊंगा, मैं जांच के आदेश दूंगा कमिश्नर को, डिविजनल कमिश्नर को, जांच होनी चाहिए कि क्या कौन से रथ में कौन वो बैठे थे, रथ किसका था, मालिक कौन था उसको, और टकरा कैसे गया। तो बहुत सीरियस बात है। और राजस्थान में अगर आते हैं धरती पर गृह मंत्री के साथ टकरा जाए तो चिंता होना स्वाभाविक है मुझे। तो डिडवाना से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं और सीएम अशोक गहलोत ने क्या कुछ बोला वो भी आपको सुनाया। उन्होंने साफ तौर पर बोला कि इस काफिला अगर गुजर रहा गृह मंत्री का और अगर इस तरह की घटना घटित हो जाए तो चिंतित होना एक मुख्यमंत्री को स्वाभाविक है। इसकी जांच वो कराएंगे डीएलबी अधिकारी से। लेकिन ये टेंशन, हाई टेंशन लाइन कैसे टूटी, क्योंकि हादसा गंभीर भी हो सकता था। फिलहाल गनीमत ये रही कि कुछ भी हादसा नहीं हुआ, टल गया। इस काफिले जो गुजर रहा है, एक बड़ी सी गाड़ी ट्रक आपको दिख रही है रथ के तौर पर बीजेपी के, वो हाई टेंशन लाइन से छुई और उसके बाद से अमित शाह उस गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में सवार हुए। और इस बीच बारा से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर बारा के दौरे पर वसुंधरा राजे आज रहेंगी। सीस वाली बारा शहर में कार्यक्रम होगा वसुंधरा राजे का, फिर उसके बाद किशनगंज छिपा बड़ौद में भी कार्यक्रम होगा वसुंधरा राजे का, और साथ ही बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित भी किया जाएगा। वहीं किशनगंज में भी बताते चले तो वसुंधरा राजे आज आपको कार्यक्रम करती हुई नजर आएंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जिले के दौरे पर रहेंगी, भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों को संबोधित करेंगी। सीसवाली बारा शहर किशनगंज छिपा रौद में भी कार्यक्रम होगा और उनके साथ सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नेताओं का अलग अलग अंदाज लोगों को लुभा रहा है। भुजिया और रसगुल्लों के लिए मशहूर बीकानेर की चुनावी तासीर और तस्वीर चर्चा का सबब बनी हुई है, तो पोकरण का चुनाव प्रचार भी सुर्खियां बटोर रहा है। देखिए यह रिपोर्ट।
नामांकन खत्म होते ही रंगीले राजस्थान में चुनावी रंग घुलने लगा। जी हां, 200 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद सोमवार को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। ऐसी ही चार तस्वीरें हम आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चूल्हे पर हलवा बनाती है वो हस्ती है जिनकी एक झलक पाकर जनता अपने आप को धन्य समझती है। बीकानेर राजघराने से ताल्लुक रखने वाली बीजेपी कैंडिडेट हैं, नाम है सिद्धि कुमारी, जो पिछले 5 साल में करोड़पति से अरबपति हो चुकी है। यूं तो जनता इनका बहुत लिहाज करती है, लेकिन राजकुमारी को अपने साथ पाकर भला प्रजा कैसे न उत्साहित हो। कहते हैं दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, और ये बात सिर्फ सिद्धि ही नहीं बल्कि बीकानेर वेस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर बीटी कल्ला भी स्वाद की अहमियत जानते हैं। तभी प्रचार के दौरान एक दुकान पर पहुंचे और अपने समर्थकों के साथ स्वादिष्ट पकौड़ियों का आनंद लिया है। उधर बीकानेर पूर्व में सिद्धि कुमारी के सामने ताल ठोक रहे यशपाल गहलोत सादुल कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे, लंगर का स्वाद चखा और गुरुद्वारे में सेवा भी की, इस उम्मीद में कि वाहे गुरु कृपा करेंगे इन्हें चुनावी वैतरणी को पार कराएंगे। बीकानेर पश्चिम सीट से बीजेपी प्रत्याशी जेठानंद व्यास को प्रचार के दौरान लोगों ने गुड़ से तौल दिया। आपको बताते चले कि बीकानेर पश्चिम से कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बीटी कल्ला 10वीं बार कांग्रेस की ओर से चुनावी मैदान में हैं, जबकि बीजेपी ने यहां पिछले 5 सालों से लगातार धर्म यात्रा निकाल कर सुर्खियों में रहने वाले हिंदुवादी चेहरे जेठानंद व्यास को मैदान में उतार दिया है। इस सीट पर 1.5 दशक से कांग्रेस से कल्ला और बीजेपी से गोपाल जोशी ही चुनावी मैदान में है। जोशी का 2021 में निधन होने के बाद इस चुनाव में बीजेपी ने नया प्रयोग किया। बीकानेर पश्चिम सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा इलाका माना जाता है। कहते हैं ट्रेडिशनल प्रचार ही यहां की पहचान है, जो इस बार भी बदस्तूर बना हुआ है। जैसलमेर के पोखरण का चुनाव प्रचार भी लोगों को खासा लुभा रहा है। आगे की कहानी तस्वीरों की आप जुबानी देखिए। यहाँ एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी महंत प्रताप पुरी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद है। पुरी और मोहम्मद दोनों का अपने समुदायों पर प्रभाव है। पुरी पूर्व राजपूत समुदाय के नेता और बाड़मेर जिले में तारा तारा मच के महंत है, जबकि शाले के न सिर्फ भारत बल्कि सीमा पार भी बड़ी संख्या में समर्थक है। अपने पिता गाजी फकीर के इंतकाल के बाद मोहम्मद शाले अब पाकिस्तान में सिंधी मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख पीर पगारों के प्रतिनिधि भी हैं। समाज का एक तबका महंत और शाले के मुकाबले को हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखना चाहता है, जिसे शाले मोहम्मद सिरे से खारिज करते हैं। देखो, ये धर्म गुरुओं का कोई युद्ध नहीं है, चुनाव पार्टियां लड़ती है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं लड़ रहा हूँ, दूसरे भाजपा से लड़ रहे हैं। यदि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में मुख्यमंत्री जी ने काम किया है तो जनता हमारा सहयोग करेगी। शाले मोहम्मद की बात इसलिए भी सही लगती है क्योंकि महंत रामगिरी महाराज ने चुनाव से पहले ही कांग्रेस प्रत्याशी शाले मोहम्मद की 27,000 से जीत की घोषणा पहले ही कर दी है। फकीरों की जबान दुनिया इस वस्त्र को नमती है, मेरे को नहीं नमती है। दुनिया इस कपड़े को नमे, कहता हूँ 27,000 वोटों से शाले मोहम्मद की जीत होगी। पोखरण में पिछले 3 चुनावों में से 2 में कांटे की टक्कर रही। 2018 में जब बीजेपी ने पुरी को मैदान में उतारा तो वह मोहम्मद से महज 872 वोटों से हार गए थे। देखना है इस बार शाले मोहम्मद जीत का अपना पिछला रिकॉर्ड बरकरार रख पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। और इस बीच जैसलमेर से भी बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर दीपावली से पहले पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल पुलिस ने 15 लाख के अवैध पटाखे पकड़े हैं। बिना लाइसेंस के 43 कार्टन पटाखे जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा। ये भी आपको बता दें कि विस्फोटक अधिनियम के तहत ये मामला पुलिस ने दर्ज किया है। तो 43 कार्टन पटाखे जब्त किए गए हैं जो कि 15 लाख रुपए के बताए जा रहे हैं।
12 से भी बड़ी खबर बता दें, 3 कार्मिक निलंबित किए गए हैं। चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर यह निलंबन किया गया है। अध्यापक जगदीश मेहता को निलंबित किया गया है, उसके बाद मुरली लाल सहरिया को भी निलंबित किया गया है। सहायक कर्मचारी हैं चौतमल सिंह को भी निलंबित किया गया है। तो बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे हैं, जहां पर 3 कार्मिक को निलंबित किया गया है। दरअसल चुनाव प्रशिक्षण में ये अनुपस्थित थे, मौजूद नहीं थे, मौजूदगी इनकी नहीं थी, इसके एवज में इन्हें निलंबित कर दिया गया है। नाम आपको फिर से बता देते हैं, अध्यापक जगदीश मेहता को निलंबित किया गया है, मुरारी लाल सहरिया को निलंबित किया गया है, सहायक कर्मचारी है चौतमल सेन उनको भी निलंबित किया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विपिन जुड़े हुए हैं। विपिन, 3 कार्मिक को निलंबित किया गया है। बिल्कुल, देखिए मतदान दल का प्रशिक्षण होना था और इस प्रशिक्षण से ये तीनों कार्मिक अनुपस्थित रहे हैं, और क्योंकि चुनाव का मामला ऐसे में सख्ती से सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि उन्हें समय से जो है प्रशिक्षण में भाग लेना है, और उसके बाद फिर मतदान जब होगा तो उस मतदान प्रक्रिया में भी इनको मतदान करवाना है। लेकिन ये जो 3 कार्मिक थे, जिनमें राजकीय प्राथमिक विद्यालय मझधारी के अध्यापक जगदीश मेहता, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया गांव तहसील किशनगंज के अध्यापक मुरली लाल सहरिया, एवं नगर पालिका छबड़ा के सहायक कर्मचारी चौतमल सेन, ये तीनों ही जो है उपखंड कार्यालय व छबड़ा जो प्रशिक्षण हुए थे, यहाँ से ये लोग अनुपस्थित रहे। इनकी ड्यूटी भी लगाई गई थी, लेकिन यह जो है वो प्रशिक्षण में नहीं पहुंचे, और इसी कारण जो गंभीरता लेते हुए इन तीनों कर्मचारियों को जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र गुप्ता ने निलंबित कर दिया गया है। तमाम जानकारी देने के लिए बड़ी खबर आपको 12 से बता रहे थे, जहां चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने के एवज में 3 कार्मिकों को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। और अब बारी श्रीगंगानगर से बड़ी खबर की। शहर में दरअसल घना कोहरा छाया हुआ है, लगातार धुंध की चादर हटने का नाम नहीं ले रही है। धुंध की चपेट में शहर अब आ चुका है। स्मॉग की वजह से आबोहवा पूरी तरह से दूषित हो चली है। आंखों में जलन समेत सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि AQI के स्तर में अब लगातार बढ़ोतरी आई थी, लेकिन थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। शहर में AQI 328 पर है, अभी भी रेड जोन में शहर का AQI है, क्योंकि श्री गंगानगर में 400 के पार AQI पहुंच गया था, लेकिन थोड़ी सी गनीमत यह है कि AQI का लेवल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। इस खबर पर हमारे संवाददाता अशोक जुड़े हुए हैं। अशोक, शहर में अभी भी घना कोहरा तो छाया हुआ है, धुंध की एक चादर तो छाई हुई है, लेकिन श्री गंगानगर का AQI 400 से ऊपर जो पहुंच गया था, अब वो 328 पे दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए श्रुति, श्री गंगानगर में AQI लेवल जहां बढ़कर लगभग 400 प्लस या 450 के करीब करीब पहुंच गया था, वहां AQI के स्तर में मामूली गिरावट जरूर दर्ज की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको इस बीच में बता रहे हैं कि श्रीगंगानगर में AQI जहां पर 400 के पार पहुंचा हुआ था, लेकिन अब AQI में गिरावट आई है, 328 अभी है, लेकिन फिलहाल अभी भी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये धुंध की चादर, स्मोक की एक चादर पूरे शहर में, पूरे जिले में छाई हुई है, जिस वजह से लोगों को अब जब बाहर निकलते हैं तो आंखों में जलन भी होती है, और एस्थमेटिक जो भी पेशेंट होते हैं, जिनको अस्थमा की बीमारी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है जिसको, उनको इस दूषित वातावरण में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। लेकिन और जयपुर के मणिपाल यूनिवर्सिटी में एक दिवसीय ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 बच्चों ने भाग लेकर 2000 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। ब्लड कैंप ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि हर साल विश्वविद्यालय में ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें विद्यार्थी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और समाज सेवा का काम भी करते हैं। वहीं विद्यार्थियों ने बताया कि ब्लड डोनेट करके हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है, कॉलेज ने यह इवेंट ऑर्गेनाइज किया तो हम आज ब्लड डोनेट कर पाए हैं। तो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, अभ्यर्थियों ने और जो भी वहां पर ब्लड डोनेट कर पाए उन्होंने आभार भी जताया कि कॉलेज ने
ये ऑर्गेनाइज किया ब्लड डोनेशन कैंप, जिस वजह से हमें वो मौका मिला कि हम लोगों की मदद कर पाए। तो ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया जहां पर 1000 से ज्यादा लोग वहां पर ब्लड डोनेट करने के लिए पहुंचे। क्यों वुमेन जहाँ पे आपको लगता है कि आप सोसाइटी को वापस दे सकते हो जो सोसाइटी आपको इतना कुछ देती है? सो दिस इज वन ऑफ द मोमेंट, दिस इज माई सेकेंड टाइम डोनेटिंग ब्लड। मैंने पिछली बार भी किया था, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम मैंने डोनेटेड द ब्लड। तब मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने शायद कुछ किसी वे में सोसाइटी को हेल्प किया है। खून देके बहुत सही लगा है क्योंकि सोसाइटी में कुछ ना कुछ करना चाहिए अच्छा। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई हैव डोनेटेड ब्लड। एंड अपन ये देखते हैं कि हर जगह रिक्वायरमेंट रहती है ब्लड की, बहुत हमारे केसेस भी आते हैं, हमारे से पूछा जाता है कि ना ब्लड डोनेट कर दो। एंड कभी हम ऐसे एसर्च कर नहीं पाते हैं। कॉलेज ने अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी है हमको, हमने आज ब्लड डोनेट करा है एंड वी आर फीलिंग वेरी प्राउड। हमारे बच्चों में बहुत जोश है और अनफॉर्चुनेटली कोविड के बाद में थोड़ा सा इनफ्लो कम हो गया और हम इसको बहुत मेटर इवेंट पे अगले साल और इसको और मेटर इवेंट पे लाएंगे और हम कोशिश करेंगे इससे भी ज़्यादा बच्चों का संदेह हो। लेकिन बच्चों में जो जुनून है, जो ब्लड डोनेशन के प्रति उनकी जो भ्रांतियाँ हैं, वो हमारी टीम ने बहुत अच्छी तरह इनका क्लियर किया। बच्चों क्लैरिफिकेशन के बाद में आप देखिए किस तरह की भीड़ हो रही है। तो सुप्रभात, राजस्थान में फिलहाल अभी के लिए इतना।